भाई जी ये गलत बात है, ये गलत बात है। गाड़ी अंदर घुस गई, स्कूटी बन जा रही अंदर। दिमाग मत खराब कर भाई जी, कौन सी बात हो गई? अब ये जाएंगे ना गाड़ी। मसूरी नगर पालिका द्वारा संचालित माल रोड बैरियर पर पीआरडी जवान द्वारा स्थानीय युवकों से प्रवेश को लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया है। मसूरी भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित पवार के नेतृत्व में गुरु पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी से पीआरडी जवान का ट्रांसफर के साथ निलंबन करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि पीआरडी जवान द्वारा माल रोड में प्रवेश को लेकर स्थानीय युवकों के साथ मारपीट के साथ अभद्रता की गई, जिसका मसूरी भाजपा युवा मोर्चा पुरजोर तरीके से विरोध करता है। घटना है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। एक पीआरडी जवान का किसी के ऊपर हाथ छोड़ना उसका अधिकार नहीं है। हाँ, प्रशासन द्वारा बैरियर लगाए गए हैं तो आप गाड़ियों को निश्चित समय पर अंदर बाहर ना करने दो, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये क्या है कि आपने दो गाड़ियां अंदर कर दी, फिर स्कूटी अंदर नहीं करी है, फिर वो कह रहा है अंदर जाने के लिए, तो आप सीधा उस पर ऐसे झपट रहे हो उसे मारने के लिए जैसे उसे जान से मार दोगे। फिर उसके बाद पुलिस, चलो पुलिस में इनका आपस में राजीनामा जो भी हुआ है, लेकिन ये कहते हैं कि राजीनामा के बाद भी उसने इन्हें मारा है और इनका हाथ छोड़े हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। इसलिए हम आज नगर पालिका में आए हैं और नगर पालिका में इस पीआरडी जवान के खिलाफ जो है हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि इसे तत्काल प्रभाव से यहाँ मसूरी से जो है अन्यंत्र जगह या तो निलंबित किया जाए, नहीं तो इसे अन्यंत्र जगह भेजा जाए, क्योंकि मसूरी में, मसूरी की जनता के लिए और मसूरी के पर्यटकों के लिए ऐसी जो घटनाएं हो रही है यह अशोभनीय है। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।